10th का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसका रिवीजन बड़ी क्विक करेंगे जिससे हम सबको आसानी हो सके इस चैप्टर को पढ़ाई करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फेनोमेनन फेनोमेनन नोन फॉर इट्स इफेक्ट known for its effect like magnetic effect magnetic chemical heating etc. It is caused by charge. अब यहाँ पे बात आती है कि इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेनन में जो मेन फैक्टर है वो है चार्ज। अब ये चार्ज क्या है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इस चार्ज के बारे में कुछ जानकारी हमको दी थी जिसमें बताया था कि कोई भी एटम अगर है तो उसके अंदर में प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है जो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज उसके चारों इलेक्ट्रॉन जिस पर माइनस चार्ज होता है वो डिवॉल्व करते ही हमें बाद में पता चला जिस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था या बेंजामिन फ्रैंकलिन जिस समय अपना नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया उनको पता नहीं चला था। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या है ये प्रॉपर्टीज है मटेरियल का ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल। अब बात आती है कि ये चार्ज जो ये अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा तो चार्ज एक्वायर कैसे किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज एक्वायर होगा वो बेंजामिन ने बताया था कि आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ठीक है। अगर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव करता है तो उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है किसी दूसरे से तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से एक चार्ज का कंसेप्ट आता है। चार्ज को हम लोग इंडिकेट करते हैं सिंबल क्यू से और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। इट मीन्स व्हाट इज चार्ज चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। आगे बढ़ते अब देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें नेट चार्ज की तो नेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज अबाउट 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज होता है उसके ऊपर 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलम। अगर हम देखा जाए यहाँ पे सॉल्व करें तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी दैट इज
1 by 1.6 × 10⁻¹¹. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 by 16 × 10⁻¹⁸, दैट इज इक्वल टू अबाउट 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। यानी कि 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन जो टोटल होगा, ये हम लोग को जरूरी होगा क्या करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए किसी भी कंडक्टर के थ्रू। तो अगर ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलम चार्ज, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा अबाउट 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स अपने को चाहिए पास कराने के लिए किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज को। अब हम लोग देखते हैं कि कूलम्स किस तरीके से रिलेशन बताया था। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चार्ज लगा है, अभी हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ के बारे में। अगर उन्होंने बोला कि कोई कंडक्टर है जिसका पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया, अगर मान ले कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो उन्होंने क्या बताया कि इसके बीच में अगर ये जो लेंथ है यानी डिस्टेंस हो गया चार्ज का, वो मान ले अगर हम लोग डी, तो कूलम्स ने हम लोग को बताया कि ये जो इसके बीच में आइदर Q1 एंड Q2 अट्रैक्ट और आइदर दे विल रिपेल, बोथ आर द फोर्सेस, आइदर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एट टू पॉइंट एंड the force is inversely proportional to the distance between them. जो force होगा वो उसके बीच के distance के square के inversely proportional होगा। It means the force act between the two charges is directly proportional to product of the magnitude of charge and inversely proportional to square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. इस बात को हमेशा क्या रखना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ का, तो कूलम्स लॉ दो हुआ, पहला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बिटवीन द टू इंट एंड inversely proportional to the square of the distance between them. अब ये इस दोनों को अगर हम कंपाइल कर दें तो अपने को क्या मिल जाता है, F is proportional to Q1 into Q2 by d square. अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें और हम लोग एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लें कि दैट इज इक्वल टू K into Q1 into Q2 by d square. अगर हम यहाँ पे K की वैल्यू की बात करें तो K क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो आ जाएगा वो उन्होंने निकाल के बताया था 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसी द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट दैट वी यूज। तो यहां पे अगर हम बात कर लें एफ की जो वैल्यू हमारे पास आ जाता है, अगर किसी भी दो क्वांटिटी की दो पॉइंट के बीच में अगर Q1 और Q2 चार्जर हैं, तो उसके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो इस फॉर्मूले से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारे पास चार्ज की बात आ गई, तो हमारे पास दो तरह के चार्ज के स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, पहला अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज अगर किसमें है, अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही अगर हम लोग बात करें, दूसरा आप लोगों के पास आ जाए करंट
इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट क्रिएटेड बाय चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज किसमें रहता है, मोशन में रहता है, तो उसकी हम लोग जो बात करते हैं वो किसमें बात करते हैं, चार्ज इन मोशन यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, और अगर हम लोग बात करें चार्ज का तो चार्ज कभी भी सेम होगा या तो डिफरेंस होगा। अगर सिंगुलर चार्ज है तो भी, और अगर डिसिंगुलर चार्ज है तो भी, कहीं ना कहीं आइदर वो अट्रैक्ट और रिपेल करता है। और उसका मैग्नीट्यूड अगर पता करना हो तो उसके लिए हम कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। और जब हमारे पास चार्ज आएगा तो उसको दो अलग अलग पार्ट में पढ़ाई करते हैं, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं किस तरीके से कोई चार्ज जो मूव नहीं करता है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, और दूसरा जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो किस तरीके का इफेक्ट। अब हम लोग फर्दर देखेंगे वैसे चार्ज के बारे में जो चार्ज किसी कंडक्टर से मूव करता हो। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो है जब चार्ज किसी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा तो कहीं ना कहीं जो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा। तो वो जो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराता है, उसमें जो उसके द्वारा जो वर्क किया करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर दो पॉइंट के बीच की बात हो तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल एट ए पॉइंट जिसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे, यानी वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अगर हम लोग देख लें ये एक पॉइंट है दैट इज मान के लिए ये हो गया इन्फिनिटी। यहां से कोई चार्ज है जिसको हमको मूव करा के यहां पे लाना है, यानी पॉइंट ए से बी की ओर जाना। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक वर्क करना पड़ेगा, यहां पे जो वर्क होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इट मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी चार्ज। ओके, नाउ वी इज इक्वल टू चार्ज का हमारा यूनिट जो है वर्क डन का हम लोग डब्ल्यू बोलेंगे और चार्ज को सी बोलते। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल बाय वन, यानी वन वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर क्रिएटेड इफ वन जूल वर्क डन इन मूविंग वन कूलम चार्ज। जैसे वन कूलम चार्ज की अगर हम बात बोलते हैं तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर वन वोल्ट की बात करें तो वन जूल वर्क होगा इन कैरिंग वन कूलम चार्ज। और इससे पहले हम लोग देख रहे थे वन कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करना पड़ता है दैट इज 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू द वन वोल्ट। अगर कहीं अगर आप देखें दो वोल्ट लिखा हुआ इसका मतलब हुआ टू जूल वर्क इज डन इन मूविंग द वन कूलम चार्ज। सिमिलर अगर हम 5 वोल्ट की बात करते हैं तो दैट इज 5 जूल वर्क इज डन कैरी। अगर हम लोग बात करें 12 वोल्ट की बात करते हैं तो ये होगा 12 जूल वर्क इज डन टू कैरी द वन कूलम चार्ज।
इट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज द मोड वर्क। और यहां पे अगर हम बात करें हो गया लिस्ट, सबसे कम वर्क करना पड़ेगा 2 फोल्ड होगा, सबसे ज्यादा वर्क अगर हम बात करें तो 12 वोल्ट की बात है। तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को मूव कराने वक्त जो वर्क करना पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में होता है, क्योंकि हर कंडक्टर के पास कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑटोमोबाइल में रहता है, जो उस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में हेल्प करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेजर करने के लिए मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर इसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर का सिंबल हमारे पास ये होंगे, और इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है। इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, उसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। और अगर हम वोल्ट मीटर को पहला में नहीं जोड़े तो क्या होगा कि वहां पे हीटिंग इफेक्ट दिखेगा और जो अप्लायंसेस है वो बर्न हो जाएगा और वोल्ट मीटर सही से काम नहीं करेगा। इट मीन्स वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग को जब भी जोड़ना होगा वो तो पैरेलल में किसी कंडक्टर में जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बल्ब लगा देते हैं, इस बल्ब का अगर हमको पोटेंशियल पता करना है तो इस कंडीशन में इसको इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे कि जो करंट इसमें जा रहा है वो एक करंट इसके अंदर जाए और एक करंट इसके अंदर जाए। जो करंट I1 में जा रहा है वो सेम करंट वोल्ट मीटर में पास नहीं करे। तो वोल्ट मीटर हमेशा क्या मेजर करता है, पोटेंशियल बिटवीन दी टू एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। इट मीन्स ये तो समझ में आ गया कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी अगर है, इसका मतलब होता है कि 12 जूल वर्क वो करता है एक कूलम चार्ज, यानी वो फास्ट वर्क कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ द 5 वोल्ट और 6 वोल्ट। अब बात आती है कि जिस रेट से करंट फ्लो करता है, अब ये 12 वोल्ट में रेट ज्यादा होगा और 6 वोल्ट का रेट कम होगा। अब जिस स्पीड से करंट पास करता है किसी कंडक्टर में उसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपली हम अगर बात करें रेट ऑफ दी फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ दी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एक करता है कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से, ठीक है। और इसकी बात अगर किसको फ्लो करवाना है, चार्ज की फ्लो करवाना है, I इज इक्वल टू वर्क डिस्चार्ज, किसको फ्लो करवाना है पर सेकंड। हम रेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करते हैं किसका, टाइम का, यानी I इज इक्वल टू चार्ज रिप्रेजेंटेड बाई I का जो हम लोग बात करते हैं यूनिट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं दैट इज द एम्पियर, एंड द चार्ज मेजर इन कूलम एंड द टाइम मेजर इन सेकेंड। इट विल गिव अस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर। इट मीन्स व्हाट द 1 एम्पियर इज, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द 1 सेकेंड। और यहां पर हम बात करें तो I इज इक्वल टू क्यू बाय ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिससे हमको आई निकालना, जहां पे क्यू हमको चार्ज दिया जाएगा और टाइम जितने सेकंड तक करंट फ्लो कर रहा था, एक फॉर्मूला जिसको हमेशा आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला से जो हमारे पास आया, इससे पहले जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आपने देखा था जी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसका फॉर्मूला था, ये था हमारा पोटेंशियल, किसका फॉर्मूला था पोटेंशियल का, जिसको हमको याद रखना है। तब ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो आ गया यहाँ से, ये आई जी कोई कुछ होगा टी। अब जब हमको करंट निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बात करें 1 एम्पियर का, तो क्या होगा 1 एम्पियर करंट इज सेड टू
फ्लो इफ वन कूलम चार्ज मूव फॉर हाउ मेनी सेकेंड, इट इज वन सेकेंड। अगर एक सेकेंड तक अगर वन कूलम चार्ज मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन एम्पियर। अगर हम लोग फाइव एम्पियर की बात करें, इसका मतलब है कि फाइव कूलम चार्ज फ्लो फॉर वन सेकेंड। अगर हम लोग ट्वेल्व एम्पियर की बात करें, इसका मतलब है ये ट्वेल्व कूलम चार्ज फ्लो करता है वन सेकेंड। अगर इसी की बात करें, लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो देखना होगा फाइव इंटू टेन पर पावर फाइव इंटू सिक्स इंटू टेन पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड की बात हम लोग करते हैं। तो लगभग अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये हुआ 30 इंटू टेन पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो 3 इंटू टेन पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव करेगा, तब जाके हम लोग बात करते फाइव एम्पियर, जो हम लोग डोमेस्टिक यूज नहीं करते, या तो 5 एम्पियर का या तो 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर की बात करें तो इसका मतलब 10 कूलम चार्ज कितने सेकेंड में फ्लो करता है। तो हमारा डोमेस्टिक जो सर्किट है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो आइदर हम लोग 5 एम्पियर का सर्किट यूज करते हैं या तो 10 एम्पियर का यूज करते हैं। 10 एम्पियर वैसे जगह करते हैं जहाँ पे हैवी लोड रहता है, जैसे अगर हम लोग बात करें हीटर की बात करते हैं, फ्रिज की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं, कि नॉर्मल बल्ब वगैरह की जो बात करें, वहाँ पे जो हमारा जो रेटिंग होता है वो होता है 5 एम्पियर का। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि 5 एम्पियर करें। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो करंट का जो मेजर होता है वो होता है किसके द्वारा मीटर किया जाता है, आमीटर के द्वारा, जिसका सिंबल होता है ए। क्या होता है सिंबल होता है ये, और ये आमीटर हमेशा कनेक्ट किया जाता है किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत लो, क्या होता है रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो अगर हम लोग बात करें किसी सर्किट का, अगर मान के चले कि यहाँ बल्ब लगा होता है, तो अगर हमको लगाना है आमीटर तो हम लोग यहाँ लगाएंगे आमीटर, जिससे कि जितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से ये हमको पता है। वोल्टमीटर को तो मैंने बताया, अगर वोल्टमीटर लगाना है तो यहाँ पे आपको वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं ये हो गया किसमें, सीरीज में, यानी ये जो हम लोगों ने कनेक्ट किया वो किसमें किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, और ये जो हमने कनेक्ट किया है वो किसमें कनेक्ट किया है, ये हमने कनेक्ट किया है पैरेलल। और ये जो आप एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पाथ देख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है, पाथ फॉर द फ्लो चार्ज। इसी पाथ को अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर इसमें बात करें विथ सिंबॉलिक कंपोनेंट, तब इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम, यानी जो सर्किट डायग्राम हमारा होता है इसमें सर्किट डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन of the electric circuit using the symbols for components used in electric circuit. Then what the electric circuit is? Simple, the closed and continuous path for the flow of charge through a conductor. Okay, move to the next topic. अब जो हम next topic पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को describe करता है कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू कंडक्टेड पीस
प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस वायर। अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें जहां पे इसको हम लोग से डिनोट करें और इसको आई से डिनोट करें, तो हमारा अगर ग्राफ कोई आएगा तो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये हमको बता रहा है कि बी और आई का रिलेशन जो है वो हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी ये जो आप देख रहे होते ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पे हम लोग वोल्ट को लेते हैं और एक्सिस पे मैग्नेटिक करंट को लेते हैं, तो हमारा जो ग्राफ नजर आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। और ये जो ग्राफ आपको है वो एक नई क्वांटिटी देता है, दैट इज रेसिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी ये एक नई क्वांटिटी हम लोग को दे दिया वो है रेसिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं किसे आर से डिनोट करते हैं, और उसका सिंबल यूज होता है दैट इज रेसिस्टेंस, इसका क्या हो गया सिंबल। अब हम लोग देखें क्या होता है, जो हमारा ओम से कह रहा है V is proportional to R। अगर इसकी प्रोपोर्शन को हटाए तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं, V is equal to R I। यहाँ पे R जो है R इज ए कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग R से बोलना शुरू करें, ओम से उस क्वांटिटी को बोला रेसिस। इट मीन्स रेसिस्टेंस इज फोर्स दैट ऑलवेज प्रिवेंट फ्लो चार्ज थ्रू कंडक्टर, फ्लो चार्ज थ्रू कंडक्टर। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें गुड कंडक्टर का, तो गुड कंडक्टर क्या होगा, जिसके पास लेस रेसिस्टेंस। यानी अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि कंडक्टिव VT is equal to 1 by R. It means more the resistance, less the conductivity or less the conductor. It means अगर उसका resistance ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को यानी चार्ज को फ्लो आसानी से करने नहीं देता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रोकता है चार्ज को फ्लो करने के लिए। ठीक, नई क्वांटिटी भी हमारे पास आ गया कंडक्टिविटी। अब ये बात करते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस इज मेजर बाय रियोस्टेट। और ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसका सिंबल है इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगर हम ऐसा यूनिट बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी का एक हो जाता है एल एच ओ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। Resistance depends on, at first resistance depends on length of wire, length of wire directly। It means अगर हम length of wire को बढ़ाते हैं, length of wire को अगर बढ़ाते हैं तो उसका resistance automatically बढ़ जाएगा। अगर resistance बढ़ेगा इसका मतलब उसकी conductivity कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपके पास R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, हियर K इज
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एक्चुअली द थिकनेस ऑफ द वायर. इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द वायर द कंडक्टिविटी और द रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीजेस. इट मीन्स द थीकर वायर हैविंग मोर कंडक्टिविटी देन द थिनर वायर. अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ मिलाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई डी. ये हमारे एक रिलेशन आ गया. अब इसको अगर हम लोग कॉन्स्टेंट के थ्रू अगर हटाएं आर इज इक्वल टू रो एल बाई डी. ये रो इज इसको क्या बोलते हैं हम लोग रू आर एच ओ रू इज कॉन्स्टेंट called a specific resistance or resistivity of a material. अब यहां पे बात करें तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पहला लेंथ ऑफ वायर और सेकेंड हम लोग बात अगर करें थिकनेस यानी ए इज इक्वल टू वाई आर स्क्वायर के बात करते कभी भी एक चलेगा तो फाइनल स्क्वायर का यूज कर सकते. तो एक नई क्वालिटी हमारे पास आ गया रेजिस्टिविटी. अब ये एक छोटा सा फैक्टर और ले ले तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर को, जो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है लेकिन कुछ केसेस में टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा यानी ये रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं किसी वायर को गुड कंडक्टर और लेस गुड कंडक्टर और सुपर कंडक्टर बनाने में हेल्प करता है. तो एक नया क्वालिटी हमारे पास आ गया रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी क्या होता है ये डिपेंड्स करता है किस पे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सिर्फ डिपेंड करता है ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है. ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे तो टेम्परेचर पे और मटेरियल. इट मीन्स अगर यहां पर हम लोग रो की वैल्यू निकालने की कोशिश करें ये फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमारे पास तो हम लोग देखें रो इज इक्वल टू आर क्यू. इट मीन्स अगर इसे रेसिस्टिविटी को डिफाइन करें रेसिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. तो अगर उसका लेंथ भी नहीं बदलता है और उसका थिकनेस भी अगर नहीं बदलता है तो जो उसका रेसिस्टेंस उस वायर का रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी. लेकिन अगर उसके लेंथ में या उसके थिकनेस में अगर हम बदलाव करते हैं तो उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी तो सेम रहेगा लेकिन उसका बदलेगा क्या चीज केवल रेसिस्टेंस बदलेगा. इस बात को ध्यान रखना है कि रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. रेसिस्टिविटी इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट डज नॉट डिपेंड ऑफ द लेंथ ऑफ वायर एज वेल एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट द रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर मे बी दैट इज वन द मोस्ट फैक्टर इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड फैक्टर इज टाइप ऑफ मटेरियल. अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेसिस्टिविटी बिल्कुल ज्यादा काम आता है या रेसिस्टेंस बिल्कुल काम आता है उसमें हम एलॉय की बात करें तो ये जो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग मटेरियल के यहाँ पर एलॉय की रेसिस्टिविटी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आता. तो ये हमेशा याद रखना है कि एलॉय की रेसिस्टिविटी में चेंजेस नहीं आता या उसका हमारे को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं उस एलॉय की रेसिस्टेंस जो होती है वो जिस मटेरियल से बना होता है आइदर उस मटेरियल से ज्यादा होता है या तो उस मटेरियल से कम होता है वो अपने यूज के अनुसार हम लोग उसका यूज कर लेते हैं.
अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं, जो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग बात करते हैं सीरीज में, दो तरीके से होता है सीरीज में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे तो एक होगा पैरेलल की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे पैरेलल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो रेजिस्टर कनेक्टेड इनटू ई सो दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कंडक्टर, बट देर इज चेंज इन पोटेंशियल। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया, ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टर हो गया, ये तीसरा रेसिस्टर हमारे पास है, इसको हम कनेक्ट करवा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी एक बैटरी से कनेक्ट कराते हैं, मान के चलो कि हमारे पास ये बैटरी है जिसकी पोटेंशियल कुछ ना कुछ, और यहाँ पे हम एमीटर लगा देते हैं जो एमीटर हमको टोटल करंट की बात करेंगे, और यहाँ पे रेसिस्टेंस मान लें इसका आर वन, इसकी रेसिस्टेंस आर टू, एंड दैट इज आर थ्री। अगर यहाँ पे हमको बात करना है यहाँ की बात करें करंट इसमें कितना फ्लो करता है, तो यहाँ पे अगर हम सीरीज की जगह जो लगाते हैं टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आई वन, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते तो ये हो जाएगा आई टू, और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जा रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू आई टू, और यहीं पर अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें दैट इज वी वन, और दैट इज वी टू, एंड अगेन वी गेट द वी थ्री। अब इन सभी के मेजरमेंट की बात करें यहाँ पे किस तरीके से इसका मेजरमेंट आता है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, यानी आई वन का वैल्यू आई टू के इक्वल और आई थ्री के इक्वल होता है। बट यहीं पर अगर हम लोग वी की बात करते हैं, वी का मेजरमेंट यहाँ पर देखेंगे वी टोटल की बात करते हैं, वी टोटल इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होता है यहाँ पे याद रखना, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, ये नजर आता है एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप नजर आता है। यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं ओम्स लॉ का यूज अगर करें, हम लोग ओम्स लॉ से अगर पुट करते हैं वी का वैल्यू दैट इज वी बराबर आई आर, अब यहाँ पे अगर हम यूज करें वी के जगह पे आई आर, तो ये जो वी टोटल है वी टोटल के जगह पे आई आर टोटल आई आर दैट इज इक्वल टू वी वन की बात करें दैट इज आई वन आर वन I2 प्लस I3 R3। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे I, और चूंकि I सब में बराबर है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो IR की बात करें I कॉमन आ जाएगा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो R की जो वैल्यू होगा R की वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, जब इसको हम लोग किसमें जोड़ते हैं सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज मोर देन सिंगल रेसिस्टेंस, कोई भी सिंगल रेसिस्टेंस अगर होगा तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इसका आपको नजर आएगा रेसिस्टेंस सिंगल रेसिस्टेंस, यानी RS इज इक्वल टू RS इज ग्रेटर देन R1, RS इज ऑल्सो ग्रेटर देन R2 और सो ऑन।
ये हमेशा बढ़ा रहेगा। तो जब भी हमको रेसिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करना है किसी कंडक्टर में, तो उसके लिए हम लोग उसको फ्यूज में कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट में कनेक्ट करेंगे। एक और कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, दैट इज इन पैरल। पैरल कॉम्बिनेशन में हम लोग रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दे हैव सेम पोटेंशियल बट कैरी डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन करंट में अलग अलग जाएगा। जैसे इस तरीके से बात करें कि यहां से हम कोई बैटरी से ज्वाइन करते हैं इसको, और यहां से हमने इसको तीन अलग अलग पार्ट में ज्वाइन किया, ठीक है। यहां से लेकिन एक कंडक्टर ऐसे आ दूसरा कंडक्टर आपके पास ऐसे दूसरा रजिस्टर लगा के, और यहीं यहाँ पर एक और तीसरा रजिस्टर लगा देते हैं। और अगर इन तीनों को देखें कि यहाँ पर ज्वाइन हो गया, उस तरीके से इसको काम लाते हैं और इसको नीचे सबके समझने में आसान हो सके। और यहाँ पर हमारा बैटरी हो गया जो कहीं ना कहीं वोल्टेज देता है, वी टू टाइम, और यहाँ पर एक आमीटर लगा देते हैं जो हमको आईटर की बात करें। और इस सब जगह पर आप कन्वर्ट से देखेंगे, यहाँ पर एक और आमीटर लगा देते, यहाँ पर जी आमीटर लगा देते, और यहाँ पर भी अगर हम लोग ये आमीटर लगाते तो ये आई वन का वैल्यू देगा, ये आई टू का वैल्यू देगा, और ये आपका आई थ्री का वैल्यू देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, ये वी वन का वैल्यू देगा, और यहाँ पर अगर लगा देते तो ये वी टू का वैल्यू देता, और यहाँ पर आप कनेक्ट करते हैं तो ये वी थ्री का वैल्यू देगा। इन तीनों को अगर ऑब्जर्व करते हैं, आई वन का वैल्यू, आई टू का वैल्यू, आई थ्री का वैल्यू, और हम लोग ऑब्जर्व करें वी वन का वैल्यू, वी टू का वैल्यू, सी थ्री का वैल्यू, तो आपको क्लियर कर सकता है जाएगा कि जो टोटल वी होता है दैट इज इक्वल टू वी वन, आइदर इक्वल टू वी टू और आइदर इक्वल टू वी थ्री। बट इन द केस ऑफ आई टू होल्डर, दैट इज द होल्डर सम ऑफ द आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे आई के जगह पर, आई के जगह पर हम लोग करें वी बाई आर, फ्रॉम कहाँ से जो हमको पता है अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमको आई का पता, आई की जगह पे हम लोग किस आई की जगह पे पुट करेंगे वी बाई वी टोटल बाई आर टोटल इन सीरीज इज इक्वल टू आई वन इज वी वन बाई आर वन प्लस वी वन बाई आर टू प्लस वी वन बाई आर थ्री। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आगे हमको क्या मिल जाएगा कि वी वन है वी टू और वी टू और वी थ्री बाई आर थ्री, तो हमें पता है कि वी बाई आर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, क्योंकि यहाँ पे वी वन वी टू और वी थ्री तीनों का वैल्यू वी थ्री को वैल्यू है। और अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो वन बाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई आर वन, तो वी थ्री इक्वल टू वी थ्री टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वन बाई आर इन टोटल थ्री इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री आ गया। ये हमारा टोटल डिफरेंस आ गया जो हम लोग पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज less than सिंगल वन। ये कोई नहीं, यानी कि ये जो यहाँ पे आर इन पैरेलल की बात करें, आर इन पैरेलल की बात करें तो ये आर इन पैरेलल जो होगा हमेशा कम होगा किसे आर वन से, या तो आर पैरेलल हमेशा कम होगा आर टू से, या तो आर पैरेलल हमेशा कम होगा आर थ्री। तो जब हमको कम रेसिस्टेंस शो करना हो या आप चाहते हैं कुछ सर्किट में कम रेसिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में हम जब भी जोड़ेंगे रेसिस्टर को तो उसको हम लोग जोड़ेंगे किसके रूप में, हमेशा पैरेलल किसके रूप में जोड़ना है पैरेलल के। यानी पैरेलल में क्या होता है,
अलग अलग करंट फ्लो करता है अलग अलग रेजिस्टर्स, लेकिन सभी के पास पोटेंशियल जो यानी वोल्टेज जो होता है सेम आता है। तो हम लोग अपने होम अपने घर के सर्किट में जितने भी बल्ब और अप्लाइंसेस कनेक्टेड है वो सभी पैरेलल में होते हैं, जिससे उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं आए, ठीक है। और केवल फ्यूज की बात करें तो फ्यूज हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में, इसलिए फ्यूज को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि उसमें एक भी फ्यूज का अगर फ्यूज अगर मेल्ट कर जाता है ड्यू टू द पासिंग ऑफ द हाई एक्सेस करंट, देन जितने भी अप्लाइंसेस है वो सभी स्टॉप हो जाए। पैरेलल में जोड़ने का बेनिफिट एक तो मैंने बताया कि भाई सभी का पोटेंशियल सेम रहता है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर एक ही अप्लाइंसेस अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा अप्लाइंसेस काम करता रहता है, जो सीरीज में नहीं होता। अगर सीरीज में कम अगर हम जोड़ते एक ही अप्लाइंसेस अगर बीच में से काम करना बंद कर देता है तो चार बल्ब को एक साथ जोड़ ले और एक बल्ब बीच का कोई भी अगर काम करना बंद कर देगा तो जितने भी बचे हुए बल्ब है वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो ये प्रेफर किया जाता है जब हम लोग देखे होंगे जो दीपावली में सजाने बजाने वाले जो बल्ब डेकोरेटिव बल्ब होता है उसमें हम लोग सीरीज में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है उसको हमको लाइट की कम जरूरत पड़ती है, डेकोरेट करना होता है तो उस केस में हम लोग उसको सीरीज में करते हैं। लेकिन इसमें एक डिमेरिट होता है कि उसके बीच का अगर एक भी बल्ब यूज किया जाता है फिर हम लोग को मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि आखिर कहाँ से गड़बड़ है, ठीक है। हम लोग आगे के टॉपिक पर जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का? हीटिंग इफेक्ट। इफेक्ट अब क्या है, व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से कोई चार्ज फ्लो करता है इट इट एक्सपीरियंस रेसिस्टेंस, द वर्क डन अगेंस्ट रेसिस्टेंस इज कन्वर्टेड into heat. This effect is called heating effect. Effect. It means heating effect is just kya? Work is equal to W is equal to VQ. It means W is equal to VQ, जैसा हम लोग ये जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये वर्क डन जो है वो आगे जो था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग Q बराबर IT, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन से लिया था, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, W बराबर हमारा आ जाएगा V इंटू आई टी, यानी W बराबर हो जाएगा वी आई टी, चूँकि यहाँ पे वर्क डन जो इक्वल है वो किसका है, हीट का है, तो हीट इज इक्वल टू यानी H दैट इज इक्वल टू वी आई टी, ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा सबसे पहला, यानी हीट जनरेटेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड टाइम ऑफ द पैसेज ऑफ द करंट। इसमें अलग अलग क्वांटिटी के लिए रिलेशन बताने के अलग अलग हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। अगर हम लोग पुट कर दें यहाँ पे, ये पहली केस की बात करते हैं, दूसरा केस की अगर बात करें कि अगर हम लोग पुट कर दें V के जगह पे पुट कर दे क्या चीज़ आई स्क्वायर, तो हमें H बराबर क्या हो जाएगा, आई आर आई टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू H, ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा।
आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एक रिलेशन हमारे पास ये हो गया, एक रिलेशन हमारे पास ये हो गया, और भी कोई तीसरा रिलेशन हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब यहां पे इस रिलेशन से एक छोटा सा चीज हम लोग को ध्यान में आता है कि हीट जनरेटेड और यूज्ड डिपेंड्स, पहला एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सेकेंड थिंग्स एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंड द थर्ड थिंग्स एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ द पैसेज ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर। ये तीन चीज हो गया जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, और हीटिंग इफेक्ट का यूटिलाइज आप देखे होंगे माइक्रो ओवन में किया जाता है, हीटर में किया जाता है, जहाँ पे हमें उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हमको हीट के फॉर्म में यूटिलाइज करना है। अब इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है कि किस रेट से वो एनर्जी को यूटिलाइजेशन करता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या बताता है, रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी और कंज्यूमिंग एनर्जी, इट मीन्स पी इज इक्वल टू ई बाई टी, पावर इज इक्वल टू ई बाई टी। अच्छा सा हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, द वर्क डन, देन पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और यहां से अगर हम लोग देख लें तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पी टी और वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू पी टी, ये दो रिलेशन जब भी चाहे तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे पी की बात करें तो ऐसा ही, यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो ये हो जाता है वाट, इट मीन्स व्हेन वन जूल एनर्जी यूज्ड फॉर वन सेकेंड, व्हेन इन वन जूल एनर्जी यूज्ड फॉर वन सेकेंड इट इज कॉल्ड वन वाट। याद रखेगा इस बात को, वन वाट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड, ये हमारे पास यूनिट हो गया पावर पता करने का। तो कभी भी किसी का पता करना है पावर तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, जिसमें हमको पता चले कितना एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि वो जो अप्लाइंसेस यूज करते हैं वो कितने पावर का है, और पावर का यूनिट दिया रहेगा वाट में। अब इसका अलग अलग रिलेशन हम लोग निकाल के देख सकते हैं। पहला अगर देखें, अगर हम लोग पुट कर देते हैं W इज इक्वल टू वी आई टी, तो हमारे पास P का जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा वी आई टी बाई टी, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आर, एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। दूसरा रिलेशन पता करने के लिए हम लोग पुट करते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो हमारे पास P का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाएगा V इंटू वी बाई आर, यानी P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये हम लोग जब स्पेसिफिक किसी भी कंडक्टर का पावर निकालना है तो इसका यूज कर सकते हैं। और भी अगर तीसरा रिलेशन निकालना चाहें तो हम लोग V के जगह पर पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे V बराबर आई आर, तो हमारे पास P का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई आर इंटू आई, यानी कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर
आर। यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, वी। यानी यहाँ पे जब यहाँ पे वी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तब यूज करते, और यहाँ पे करंट क्या चीज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब इसका फॉर्मूला का यूटिलाइज करना ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, जो अलग अलग कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए गौर से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने जो एनसीईआरटी बुक है उसको देख सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से और जल्दीबाजी में इस चैप्टर को रिवाइज किया जा सके। अब यहाँ पर छोटा सा चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग 1000 वाट की बात करें, दैट इज इक्वल टू 1 किलो वाट की बात करें। अब अगर हम लोग अपने लाइफ की बात करें तो हम लोग के आसपास जो यूज होता है वो कॉमर्शियल यूनिट के रूप में यूज होता है। अगर हम लोग अपने घर में अगर बार बार अगर अप्लाइंसेस यूज करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो किस तरीके से यूज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग बोटू भी बोलते हैं, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब यहाँ पे वन यूनिट की बात करें तो दैट इज वन यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर। 1 किलोवाट एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर। अगर इसको हम लोग आगे वेरीफाई कर दें तो उनको यूज कर सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट एंड वैल्यू ऑफ आवर इज इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो अगर हम लोग 1 यूनिट की बात करें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 3.6 × 10⁻¹⁰ जूल। अगर हमको एक यूनिट को जूल में अगर एक्सप्रेस करना है, उसकी वैल्यू को जूल में एक्सप्रेस करना है, तो हम उसको 3.6 × 10⁻¹⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक यूनिट जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो रेटिंग लिखा हुआ रहता है बल्ब में, जैसे 220 वोल्ट और 60 वाट और 100 वाट लिखा हुआ रहता है बल्ब के, या किसी अप्लाइंस पर आप देखें तो दो चीज़ रहता है, एक तो पी का वैल्यू रहता है और एक वी का वैल्यू रहता है, यानी वाट लिखा रहेगा और वोल्ट लिखा रहेगा। इस केस में अगर हमको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस किसी इंडिविजुअल का, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर। जैसे यहाँ पे वी की बात करें तो वी हो गया कितना, 220 का स्क्वायर, और 60 की बात अगर करें तो ये हो गया 60 V² / P 60। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो लगभग आता है 806.67 ओम्स। यानी जो 60 वाट का बल्ब है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो अबाउट 806 ओम के रेजिस्टेंस। वैसे ही अगर हम लोग देख लें यहाँ पे करंट की बात करें, किसकी बात करें, कितना करंट पास करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करेंगे P = VI, और वहाँ से हमको I का जो वैल्यू आ जाएगा वो P बाई V, और वहाँ से अगर I निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा V/P, दैट इज इक्वल टू 220/60, दैट इज P, द वैल्यू ऑफ करंट इज 3.67 एम्पीयर। तो अगर हम लोग बात करें कितना करंट फ्लो करता है जब कोई 60 वाट का यूज अगर कर ले, तो उस केस में हम लोग देखेंगे जो हम लोग का करंट यूज होता है वो लगभग यूज होता है कितना करंट का, तो लगभग
3.67 एम्पीयर करंट फ्लो करता है अगर हम लोग 60 वाट करंट का यूज करते हैं। ये हमारा टोटल चैप्टर था जिसको हम लोग चाहें तो अपनी तरह से रिवाइज कर सकते हैं जल्दीबाजी में। जब भी आपको दिक्कत हो इसको बार बार, इस चैप्टर को रिपीट करें, बार बार इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें, दो बार तीन बार इस पूरे लेसन्स को सुने, और सुनने के बाद आप अपने बुक को एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें जिससे ये रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो लॉकडाउन है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने घर पर रहते हुए बच्चों को कहीं ना कहीं जो हमारे पास सीमित साधन है उसमें बच्चों तक कुछ ना कुछ एजुकेशन हेल्प पहुंचाया जाए। इसमें थोड़ी मोटी दिक्कत आ रही है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल है नहीं, प्रोफेशनल व्यवस्था हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंचे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और साथ दीजिए और एक दूसरे के साथ अपनी पढ़ाई को, अपने दोस्तों के साथ मिल के, टीचर के साथ मिल के पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए जिससे आपकी पढ़ाई रुके नहीं और हम सब लोग इस पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू।